बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, ब्यूटीफुल वेबसाइट फॉर आवर सेल्फ, फॉर अदर पर्संस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जौन सा है वर्डप्रेस के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, wordpress.com, wordpress.org। सो हम इसमें ज़्यादातर यूज़ करेंगे, बल्कि हम पकड़ेंगे ही www.wordpress.org को, क्योंकि जौन सा word.com जौन सा ना वो एक्सपेंसिव हो जाएगा न्यू कमर के लिए। उसमें जौन से हमने प्लगइन इंस्टॉल करने होते हैं वो wordpress.com में नहीं हो सकते जो wordpress.org में होते हैं। सो आपने स्लोली स्लोली इसमें से सीखना है और देन यू कैन अर्न मनी। ओके, सो आप ये मत सोचिएगा अभी से कि यार मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली है और मैं बस एक दिन में ही करोड़पति बन जाऊँ, लाखों अरबपति बन जाऊँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप लोगों के साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू कैन अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट। सो आपके पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए, मैं इंशाल्लाह ताला आपको आइडियाज़ भी प्रोवाइड करूँगा कैसे आप अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह का आप कॉन्टैक्ट इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये कुछ पार्ट्स होंगे वीडियो के जो आगे जाके भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। यह फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सो आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट बना के। सो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कैसे इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहला आपने जौन सा काम करना है वो अपना गूगल अकाउंट यानी कि गूगल का ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और सबसे पहले जौन से आपके पास एक जीमेल रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो सिंपली हम यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं अपने, और देख लेते हैं यहाँ से हम अपना जौन सा ना एक न्यू अकाउंट जौन सा ना वो क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे फर्स्ट आपने अपना अकाउंट यानी कि अपना फर्स्ट नाम लिख लेना है जो भी आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे एजुकेशन लिखूँगा और साथ में कर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एजुकेशन, तो ये मेरे पास आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड मैंशन कर देता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और देखेगा कि हाँ ठीक हो गया। ये मेरी जौन से ना वो education@gmail.com के नाम से ये बन गया हुआ है। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर टाइप करूँगा, ठीक है, और ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे आप अपना कुछ भी रख देना है, लाइक मैं रख देता हूँ डे एयर्स, यहाँ पे मैं 17 कर देता हूँ, और यहाँ पर कुछ भी आप कर दें, ठीक है। तो जेंडर मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे कुछ पूछेगा कि आप ये टर्म्स वगैरह पूछ रहा है, ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस, तो ये आपने पढ़ने या पढ़ लें, अदरवाइज मैं इसको आई एग्री करके नेक्स्ट कर देता हूँ। सो ये जो सी मेरी जीमेल है वो हो गई है रेडी। ये देख सकते हैं कि मेरी education@gmail.com ये मेरी आप लोगों के साथ सामने शो हो रही है। और अब हमने करना क्या है, सिंपली हमने यहाँ पे टाइप करना है 000webhost.com। सो सिंपली जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह हमारे पास एक वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी। और ये हमेशा हमने याद रखना है कि हमने फ्री अभी काम करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी पर कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हम अभी सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको ये गेट स्टार्टिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सो सिंपली आपने इस पर क्लिक करके तो ये आपके पास से वेब फ्री वेब होस्टिंग, सिंगल शेयर्ड होस्टिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सिंपली हमने साइन अप करना है फ्री साइन अप, ठीक है। तो फ्री पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे आपकी ईमेल मांगेगा, ठीक है। तो अगर आपकी ऑलरेडी लगी हुई है, जैसे मेरी वो education@gmail.com लगी हुई है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लॉगिन विद गूगल के साथ कनेक्ट कर लूँगा।
तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको करने के बाद एजुकेशन्स पे क्लिक कर लूँगा, क्योंकि मैंने एजुकेशन के नाम से ही ये बनवानी है। तो ये देखें, आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये अभी रनिंग हो रही है। तो ये देखें, हाय देयर आर थे एजुकेशन करें जो सा वो मेरी साइट का नाम आ गया है। लेट्स क्रिएट सम मैजिक। तो ये अभी आपको बताता हूँ क्या मैजिक इसमें करने हैं हमने। आपकी जो से स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के वो ये नाम वगैरह शो होते होंगे। सिंपली मैं लर्न क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और लर्न वेब डेवलपर में क्लिक करता हूँ। हाउ कैन यू लर्न विथ W00 वेब होस्ट। तो उसके बाद सिंपली मैंने कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक, और यहाँ पे मैंने अपना वेबसाइट का नाम लिख देना है, ठीक है। जिस तरह तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना एजुकेशन करें और ये सबमिट मैंने कर देना है। ये इस तो इसको इसी तरह रहने देना है, ये आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेकंड लगेगा ये, उसके बाद ये देख सकते हैं लाइन जो है ना वो कॉर्नर तक जा पहुंची है, फिर वापस आएगी। अब ये फाइंड कर रहा है हमारी वेबसाइट, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने करना है मोस्ट पॉपुलर, हमने इंस्टॉल करना है अपने वर्डप्रेस को, ठीक है। जैसे हम अपना सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल ये होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको एडमिन ही रहने देना है, और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा तो ये देख सकते हैं कि मेरा जो सा ना वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ये कुछ परसेंट ठीक है, 100% तक ये जाके ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारी जो सी वेबसाइट है वो उसका नाम वगैरह ये देख सकते हैं आप, एजुकेशन करें यहाँ पे शो हो रहा है। कुछ वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जैसे ही ये देखें योर सॉफ्टवेयर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल वो कह रहा है। ये कुछ और वेट करना पड़ेगा हमें, ये फाइनलाइजिंग हो रही है हमारी वेबसाइट की। ये देखें, ये कहता है कि ये नो इज रेडी कॉन्फ़िगरेशन, कंग्रेचुलेशन इज रेडी। हमने अपने गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज के ऊपर क्लिक करना है, तो ये हमें एक नेक्स्ट पेज पर ले जाता है। तो ये देखें आप, हाँ ये देखिए ये आपके पास आ गया है। आपका क्या आ गया है, आप यहाँ पे अपनी मेंशन करेंगे जो आपने अपना ईमेल का एड्रेस दिया था, या फिर अपनी सॉरी वेबसाइट का नाम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपने अपने क्या करना है, यूजर नेम जो आपने अपनी वेबसाइट का रखा था, या फिर आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे के अपना पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ एजुकेशन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप रिमेम्बर इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जैसे आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो जस्ट या आपको बगैर विदाउट यानी कि वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने अपना ईमेल टाइप कर देना है, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल टाइप करूँगा @gmail.com। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा अपना पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड अब हमारे सामने है, ठीक है। तो ये देखें ये सारी चीज़ें, अब मैं यहाँ पे इसको सेव भी कर देता हूँ। तो अब हमने करना क्या है ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। किस तरह हमने इसको अब अपडेट करना है, कैसे इसको डिज़ाइन करना है, सारा कुछ इसमें बताऊंगा, किस में कैसे हमने इस प्लग इन करने हैं। तो सारी चीज़ें नेक्स्ट पॉडकास्ट
पार्ट में अब आपको बताने वाला हूँ। सो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।